नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार फर्जी प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कुछ वो विरोधी जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं बल्कि देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तभी तो बार बार नरेंद्र मोदी हो गए जो कि प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, इनको लेकर ये कहा जाता है कि भाई ये तो समुदाय विशेष के विरोधी हैं। जबकि अगर आप योजना देखेंगे, जबकि आप कभी ऐलान देखेंगे, कभी कोई बयान सुनेंगे, तो आपको कहीं से कहीं तक कभी महसूस नहीं होगा कि ये बयान किसी समुदाय के खिलाफ दिया गया है, कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन गलत को गलत और सही को सही अगर पद पर बैठा शख्स नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? बस इसका जवाब बता दीजिए जो लोग भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी है। हाँ, इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बड़े धड़ल्ले से वायरल की जाती है और यह कहा जाता है कि देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने तो टोपी भी लगा ली थी, तो फिर वो मुस्लिम विरोधी कैसे हुए? अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट है और मुझे लगता है कि ये डिफरेंस जो है ये आप तक पहुंचना चाहिए। जो लोग नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं उनको इस तस्वीर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, जो लोग चाहते हैं कि हिंदू भी बटे और नरेंद्र मोदी को लेकर एक मैसेज लोगों के बीच जाए कि देखिए इन्होंने तो टोपी लगा ली थी, ये तो मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं, यानी हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए जो लोग एजेंडा चलाते हैं वो सारा का सारा धराशायी होता हुआ नजर आता है। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं और इसी के साथ उसका वीडियो भी आप देख लीजिए। 2011 की बात है, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उस वक्त वो सद्भावना का आयोजन चला रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब एक हैं, लेकिन इसी दौरान इमाम के हाथों उन्हें टोपी दी जाने लगी और उनसे आग्रह किया गया कि आप इसे पहन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने वहीं के वहीं हाथ रोक दिया। 2011 की ये बात है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मुस्लिम इमाम के हाथों से टोपी नहीं पहनी, वहीं के वहीं उनके हाथ को रोक दिया और उसी का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं और उसी का जिक्र कर रही हूं। लेकिन इस पूरे केस के बाद, यानी जब वो प्रधानमंत्री बन गए और लगभग 6-7 साल बीत जाने के बाद, मध्य प्रदेश के इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैफी मस्जिद पहुंचे नरेंद्र मोदी। वहां पर उन्हें शॉल उड़ाई गई, तस्बीह दी गई, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि पहले अलग थे अब अलग हो गए हैं। अब देखिए 2024 के चुनावों में भी लोगों ने कहा कि हमें वो वाला नरेंद्र मोदी चाहिए जिसको देखते हुए हमने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था। सेक्युलर बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिंदुत्व वाली विचारधारा को आगे बढ़ाइए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से टोपी पहनने से इनकार किया था उसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि सीधे सीधे तौर पर 19-20% जो हमारे देश में समुदाय है उसके वोट बैंक को नरेंद्र मोदी ने लात मार दी थी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। आज भी फर्जी नैरेटिव फैलाया जाता है कि देखिए जी योगी जी ने तो मना कर दिया था टोपी पहनने से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहन ली थी। फेक खबर है, कभी नहीं पहनी ना नरेंद्र मोदी ने ना ही योगी आदित्यनाथ ने। हर तरीके से फर्जी खबर चलाई जाती है ताकि हिंदू डिवाइड हो और फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहरहाल वीडियो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इमाम कोशिश कर रही हैं कि अगर आप सद्भावना की बात कर ही रहे हैं तो फिर ठीक है आप ये टोपी भी लगा लीजिए, जिसको नरेंद्र मोदी ने बड़े सहर्ष मना कर दिया कि इस बाकी सब ठीक है मैं ये नहीं करूंगा। बाकी योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप मस्जिद जाने के सवाल पर आपने देख ही लिया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था मैं क्यों जाऊं, मेरा वहां पर क्या काम है। तो एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है बीजेपी की जिसको लेकर दोनों नेता आगे चल रही हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता जो अक्सर मोदी विरोध में ये कह लीजिए कि आंखें मूंद कर ही बैठे रहते हैं, उन्होंने एक बार जरूर कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जाली वाली टोपी पहनते हैं तो मैं तब यकीन करूंगा और मैं ये चीज देखना चाहता हूं। मतलब नसीरुद्दीन शाह का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अब नरेंद्र मोदी टोपी लगा ले, ये नसीरुद्दीन शाह का बयान था कई साल पहले का। तो कई बार इसको लेकर विवाद हुआ है, बातचीत हुई है, लेकिन एट दी एंड अगर आप वो तस्वीर देखते हैं तो उसे असली मत समझ जाइएगा, क्योंकि चुनावों के इस दौर में उस तस्वीर को जबरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा है। सच्चाई आपने इस तस्वीर की जान ली, इसी के साथ ये भी जान लिया कि लोग कह रहे हैं कि ये होता है 20% वोट बैंक पर लात मारना, नहीं चाहिए ऐसा वोट बैंक। ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। बहरहाल नरेंद्र मोदी की जिस तस्वीर को धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है वो आपने देख लिया, उसकी सच्चाई क्या है वो आपने जान ली। आप बताइए आप इस विचारधारा को किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है ये सब करने से कोई नेता मुस्लिम विरोधी हो सकता है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।